chalo so let's start with probability what is probability bolo चांसेज ऑफ़ एन इवेंट अकोरिंग वेरी गुड दैट इज़ प्रोबाबिलिटी बट वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट क्यों कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी इन फैक्ट एज़ एक्चुअली प्रोबाबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मतलब उन लोगों का काम ही होता है कि प्रोबाबिलिटी को मेजर करना एंड उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेना एंड दिस इज अ टॉपिक जो हर कोर्स में इम्पोर्टेंट होता है सो so वाई What is the cause जिसके कारण हम लोग को ये calculate करना पड़ता है uncertainty तो because the, the events are uncertain उनका क्या result होगा हम लोग कोई भी action अगर ले रहे हैं तो उसका क्या result होगा that is uncertain इसलिए we have to play with probability कि कौन से outcome का चांसेस ज़्यादा है एंड क्या जितना चांसेस है इज इट वर्थ टेकिंग द ट्राई दैट इज़ वाई वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ओके तो प्रोबेबिलिटी कैसे मेजर होता है देर इज अ सैम्पल स्पेस देर इज अ सैम्पल स्पेस सैम्पल स्पेस क्या होता है जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं The set of all possible outcomes is the sample space. But हर जो possible outcome है, वो हम लोग के लिए favorable तो होगा नहीं। मतलब let's say if we are talking about a test, एक test है जिसमें आप excellent perform कर सकते हो, या फिर आप above average हो सकते हो। You can be average, below average, and poor. राइट right? एक टेस्ट है जिसमें ये फाइव कैटेगरीज में आप किसी में भी फॉल कर सकते हो तो ये क्या हो गया ये है हम लोग का सैम्पल स्पेस जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स है फेवरेबल क्या है लेट्स से आपको लगता है कि ये एग्जाम एनी anyway, थोड़ा डिफिकल्ट है एंड यू आर नॉट सच अ नाइस स्टूडेंट तो इसीलिए इवन इफ यू गेट अबव एवरेज दैट इज फाइन बट अफकोर्स यू बेसिकली कैनॉट अफोर्ड टू गेट इस अबव एवरेज वाले लेवल के नीचे आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो इसलिए आपके लिए क्या होगा फेवरेबल एक्सीलेंट एंड अबव एवरेज ये टू आपके लिए फेवरेबल होगा आपको ये देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को एक्सीलेंट या अबव एवरेज मिलेगा या फिर इफ लेट्स से कि आपको देखना है कि वॉट इफ आई एम अ वेरी पुअर स्टूडेंट तो क्या चांसेस है कि आई विल एक्चुअली फॉल इन दिस कैटेगरी तो ये क्या होएगा आपका फेवरेबल में सिर्फ पुअर आएगा तो प्रोबेबिलिटी होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी कितना आउटकम्स टोटल में से आपको फेवर करेगा या आप उसको एक्सेप्ट करोगे दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है कि कितने ऑप्शन में से आपको चूज करने मिल रहे हैं दैट इज योर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स तो इन दिस केस इट विल बी वन बाई फाइव अगर आप पुअर स्टूडेंट हो लेट्स से अगर आपको एवरेज के ऊपर चाहिए तो क्या होगा टू बाई फाइव क्योंकि एक्सीलेंट एंड अबव एवरेज दोनों आपके फेवर में होगा क्लियर है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अब ये जो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हमेशा जो टोटल आउटकम्स होगा टोटल आउटकम्स विल ऑलवेज बी लेस ग्रेटर दैन और इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स क्योंकि आपका जो फेवरेबल आउटकम्स है इट इज सबसेट ऑफ टोटल आउटकम्स विच मीन्स कि जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी आएगा हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा करेक्ट तो प्रोबाबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अकोरिंग उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं लेट से इवेंट ए है जो भी इवेंट है वो ब्रैकेट्स में होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट अकोरिंग एज पी ए इट विल बी ऑलवेज बिटवीन जीरो एंड वन वाई बिकॉज इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन अगर फेवरेबल आउटकम जीरो है मतलब ऐसा कोई भी आउटकम नहीं जो आपके फेवर में होना चाहिए वो होगा कि प्रोबेबिलिटी जीरो है ऐसे इवेंट को क्या बुलाएंगे इम्पॉसिबल इवेंट बिकॉज ये इवेंट हो ही नहीं सकता तो इसका प्रोबेबिलिटी जीरो है अगर प्रोबाबिलिटी वन है इसका मतलब क्या है कि जितना भी टोटल आउटकम्स है उतना ही आपका फेवरेबल आउटकम्स भी है तो एट द पॉइंट वे टोटल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम्स बिकम द सेम उस पॉइंट पर हम लोग का प्रोबेबिलिटी वन आएगा और ये क्या होएगा अगर आप बोल रहे हो कि जो भी आउटकम है वो मेरे लिए फेवरेबल है तो मतलब आपको जो चाहिए आपके फेवर में हंड्रेड परसेंट होगा कुछ ना कुछ तो इट इज़ अ सर्टेन इवेंट मतलब देर इज़ नो अनसर्टनिटी सारा ही आपके फेवर में है देर इज़ नो अनसर्टनटी तो वेन प्रोबेबिलिटी इज ज़ीरो इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट क्योंकि वो इवेंट हो ही नहीं सकते एंड वेन प्रोबेबिलिटी इज वन देन इट इज़ अ सर्टेन इवेंट बिकॉज वो इवेंट होगा ही होगा क्लियर I have no probability like some drag with them. Basic kingdom. There is a pile of 15 scripts. Two scripts are mathematics. Three scripts are of statistics. Four scripts of एल आर एंड फाइव स्क्रिप्ट ऑफ एट ए डी आई एक मार्कर है वो कोई भी स्क्रिप्ट एट रैंडम उठा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है इज द वर्ड रैंडम मतलब जो भी हो रहा है ना उस पर और कोई चीज़ नहीं इम्पोज हो रहा है इट इज़ कम्प्लीटली रैंडम इट इज कम्प्लीटली लक बेस्ड एंड चांस बेस्ड तो एक एग्जामिनर रैंडमली एक स्क्रिप्ट उठा रहे हैं स्पीकिंग अप जस्ट वन स्क्रिप्ट वॉट इज़ दे प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक्सअप अथ स्क्रिप्ट एंड अ डी आई स्क्रिप्ट क्या होगा इसका आंसर बोलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है फिफ्टीन 15. 15 है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे दिया हुआ भी है हमेशा चेक भी करोगे कि आपका टोटल आ रहा है कि नहीं फिफ्टीन वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक्सअप मैच तो मतलब फिफ्टीन पॉसिबल आउटकम्स है फेवरेबल कितना होगा इन दिस केस कितना आउट ऑफ दिस फिफ्टीन टू फेवरेबल होगा क्योंकि मैथ्स का दो ऑप्शन ही है तो ये दोनों में से कोई चूज होगा तभी मेरा काम बनेगा तो आंसर नंबर नंबर ऑफ़ ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स टोटल का कितना आएगा रिड्यूस करके हमेशा लिखेंगे प्रोबेबिलिटीज़ को तो वेरी गुड इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि हम लोग कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग अगर ये इवेंट है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है कि वो इवेंट नहीं होगा सेट थ्योरी में भी या वेन डायग्राम्स में भी जब हम लोग करते हैं तो अगर ये ए है और ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट है तो दिस इंटायर पोर्शन आउटसाइड द सर्कल व्हाट इज इट दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऑल थ्री आर वेज ऑफ रिप्रजेंटिंग ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए क्या है ए इज दिस पोर्शन दिस इज एंड द रेस्ट ऑफ इट इज़ नॉट ए तो अगर प्रोबैबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ हम लोग को तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट या फिर नॉट ए इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्यू क्योंकि या तो ए होगा या ए नहीं होगा बीच का कोई ऑप्शन हम लोग को नहीं दिया हुआ है ऐसा नहीं है कि ए है तो बी भी है सी भी है ऐसा नहीं दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तभी होगा वेन देर इज ओनली वन ऑप्शन या तो वो इवेंट होगा या वो इवेंट नहीं होगा देर इज नो अदर पॉसिबल सिनारीो प्रेजेंट इन द केस तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज वैन देर आर ओनली टू ऑप्शंस हैपन और इट विल नॉट हैपन एंड जो प्रोबेबिलिटी है दोनों का दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके वन आना चाहिए क्योंकि या तो होगा या नहीं होगा तो मतलब इफ आई आस्क यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग इफ आई एम इनडिफरेंट टू ए है ये क्या हो गया ये तो एक सर्टन इवेंट हो गया कि ए होगा या नहीं होगा तो ये वन आ जाएगा इसीलिए प्रोबाबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबाबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू वन तो दोनों में से कोई भी एक अगर हम लोग को पता है वी कैन ईजिली कैलकुलेट अदर वन राइट क्लियर है yes, लिख सकते हैं लिख सकते हैं। क्या होगा बहुत ही एंड ऑब्वियसली अगर एक क्लेम है तो अब या तो वो थाउजेंड हंड्रेड डॉलर के ऊपर होगा या वो हंड्रेड डॉलर्स के नीचे होगा और कुछ तो हो नहीं सकता तो इसलिए दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स या तो वो हंड्रेड के ऊपर होगा या वो हंड्रेड के नीचे होगा इट इज जीरो पॉइंट फोर नेक्स्ट वी विल डू एक्सक्लूसिविटी एंड एक्सॉस्टिविटी वॉट इज एक्सक्लूसिविटी एक्सक्लूसिविटी होता है हम लोग यहां पर ना बात करें टू इवेंट्स का एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है अगर इवेंट ए एंड बी एक्सक्लूसिव है तो मतलब क्या है कि या तो ए होगा या तो बी होगा दे कैन नॉट अकर टूगेदर ओके मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों साथ में अकर करें फॉर एग्जाम्पल अगर एक इवेंट है दैट अ पर्सन इज कलर ब्लाइंड एंड द अदर इवेंट इज द पर्सन इज नॉट कलरब्लाइंड तो या तो वो कलरब्लाइंड होगा या वो नॉट कलरब्लाइंड नहीं होगा तो इसीलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव द वर्ड एक्सक्लूसिव इट सेल्फ सेज कि दोनों इवेंट्स एक्सक्लूसिव है दे दे हैव एब्सोल्युटली नो कनेक्शन विद ईच अदर एंड कैन नेवर अकर टुगेदर तो इस केस में क्या होता है अगर एक्सक्लूसिव होते हैं इवेंट्स तो मतलब देर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों इवेंट्स कभी साथ में नहीं अकॉर हो सकते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स अकरिंग टूगेदर विच मीन्स ए इंटरसेक्शन बी हम लोग कर चुके हैं इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड एंड यूनियन मतलब होता है और ये हम लोग कर चुके हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज म्यूचुअली इज टू शो दैट इन रिलेशन टू ईच अदर इट इज नॉट कि ए इंडिविजुअली एक्सक्लूसिव है या बी इंडिविजुअली एक्सक्लूसिव है हो सकता है कि अगर कोई एक थर्ड इवेंट है जिसमें है कि द पर्सन इज अ डॉक्टर मान लो अगर एक थर्ड इवेंट है कि पर्सन इज अ डॉक्टर तो आप नहीं बोल सकते कि ए इज एन एक्सक्लूसिव इवेंट नो बिकॉज ए एंड सी तो साथ में हो सकते हैं कि ही इज कलर ब्लाइंड एंड ही इज अ डॉक्टर या फिर बी एंड सी साथ में हो सकता है ही इज नॉट कलर ब्लाइंड एंड ही इज अ डॉक्टर तो हमेशा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि किसके रिलेशन में वो इवेंट एक्सक्लूसिव है एग्जॉस्टिव क्या होता है द वर्ड एग्जॉस्टिव मीन्स कि एग्जॉस्ट कर देना या फिर ख़त्म कर देना टू टच दी अपर लिमिट कि आप सब चीज़ को कवर कर रहे हो तो एग्जॉस्टिव होते हैं कि जब दो इवेंट है ए एंड बी वो दोनों इवेंट मिलके अगर सारे आउटकम्स को कवर कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग टू इवेंट्स लेते हैं एक लेते फर्स्ट इवेंट इज कि इट इज न्यूमेरिकल बेस्ड इट इज न्यूमेरिकल बेस्ड And second is कि it is let's say reasoning based. So what is the probability कि examiner will pick up a numerical based or a reasoning based answer script. तो ये क्या होएगा न्यूमेरिकल बेस्ड में आपका मैथ्स टैथ्स और डी तीनों आ जाएगा रीजनिंग बेस्ड में आपका एल आ जाएगा तो क्या हो रहा है ये जो probability आएगा दिस विल बी कवरिंग द इंटायर थिंग दो इवेंट इवेंट ए ये है इवेंट बी ये है तो इससे क्या हो रहा है प्रोबेबिलिटी क्या आएगा इसे केस में इफ आई एम आस्किंग यू प्रोबेबिलिटी कि या तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो या रीजनिंग बेस्ड हो व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी बी वन होगा तो इसको क्या बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ये वन क्यों हुआ क्योंकि जो दोनों इवेंट थे वो दोनों मिलके हम लोग का पूरा टोटल सैम्पल स्पेस को एग्जॉस्ट कर रहे थे ऑल आर फेवरेबल आउटकम्स वर एग्जॉस्टिंग द सैम्पल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स तो इन सच अ केस प्रबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज वन ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्शन देखते हैं और यहाँ पर हम लोग यूनियन देखते हैं हमेशा एक्सक्लूसिविटी चेक करने के लिए इंटरसेक्शन बिकॉज दैट इज़ वॉट मैटर्स एंड एग्जॉस्टिविटी चेक करने के लिए यूनियन कॉपी कर लो ये चीज़ पूरा हमें एक चीज सीख रहे हम एग्जॉस्टिविटी जो होता है वो डिपेंड नहीं करता ना कि सेट जॉइंट या डिसजॉइंट जॉइंट या डिसजॉइंट एग्जांपल दो फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी शुड बी इक्वल टू लाइक ए यूनियन बी शुड बी इक्वल टू 1 सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी शुड बी इक्वल टू 1 बट ए और बी डिसजॉइंट सेट होना हो उससे फर्क नहीं पता, राइट ए और बी डिसजॉइंट सेट मतलब देयर इज नो इंटरसेक्शन जाती है डिपेंड करता नहीं है ना वो भी सकता नहीं भी हो सकता राइट हां इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस अभी आई एम कमिंग टू दिस आई एम कमिंग टू दिस आल्सो यहाँ पे जो लिखा है ना इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है एक्सक्लूसिविटी का सिर्फ ए इंटरसेक्शन भी है एंड एग्जॉस्टिविटी का सिर्फ ए यूनियन भी है एक थर्ड केस आते हैं विच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ये क्या होता है इस केस में टू कंडीशंस होते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जीरो होना चाहिए एंड ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी वन होना चाहिए बोथ कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड अगर ये दोनों सैटिस्फाइड है देन वी से कि द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव क्लियर अब हम लोग कहेंगे एडिशन रूल एंड मल्टीप्लीकेशन रूल हमेशा याद रखना इज एडिशन रूल के लिए इट इज और एंड मल्टीप्लीकेशन रूल के लिए इट इज एंड अगर कोई भी दो इवेंट्स ऑप्शनल है मतलब और है या तो ए होगा या बी होगा इट इज एन और इवेंट देन वी अप्लाई एडिशन रूल तो हम लोग ऐड करेंगे दोनों का प्रोबेबिलिटीज को अगर वो इवेंट एंड है कि मतलब ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए तो हम लोग अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल ये क्यों होता है पता है जो प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं वो हम लोग को पता है जीरो एंड वन के बीच में होते हैं तो आप सोचो और में क्या कर रहे हो आप ऑप्शंस दे रहे हो तो नेचुरली जो प्रोबेबिलिटी होगा वो बढ़ जाएगा एक इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी एंड दो तीन इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट एक इवेंट अगर आप सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम लोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी कम होगा लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन दोगे कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है देन इट शुड गो अप वो और बड़ा हो जाना चाहिए तो जब आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हो फ्रैक्शंस को ऐड करने से हमेशा फ्रैक्शन बढ़ेगा लेकिन जब आप फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे फॉर एग्जाम्पल हाफ इन टू वन थर्ड क्या होगा जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन होगा दैट विल ऑलवेज बी स्मॉलर दैन द ओरिजिनल फ्रैक्शन हाफ प्लस हाफ इंटू वन थर्ड करो क्या होगा हमेशा एडिशन रूल में दिस विल भी ग्रेटर दैन दी ओरिजिनल फ्रैक्शन या ग्रेटर दैन इंडिविजुअल प्रोबाबलिटीज एंड मल्टीप्लीकेशन के केस में इट विल भी लेसर दैन द इंडिविजुअल प्रोबाबिलिटीज वॉट इज द लॉजिक बिहड दिस लॉजिक इज मल्टीप्लीकेशन रूल में आप जब एंड बोल रहे हो कि ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए ये सीनारियो इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड आप उस पर रिस्ट्रिक्शन पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हो कि ए भी उसके साथ साथ बी भी उसके साथ साथ सी भी तो नेचुरली प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगा लेकिन और में क्या करें आप उसको और रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हो मतलब आप बोल रहे हो ए भी कर सकते हो बी भी कर सकते हो आप ये नहीं बोल रहे हो कि साथ में अकर होना आएगा जब हम लोग वेन डायग्राम भी बनाते हैं तो हमेशा अगर ए एंड बी है ये पूरा ए है ये पूरा बी है तो ए यूनियन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए इंटरसेक्शन बी बा क्योंकि ए यूनियन बी में कुछ भी हो सकते हैं लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ इतना सा हो सकता है तो दैट इज़ वाई मल्टीप्लीकेशन रूल हम लोग यूज़ करते हैं एंड के केस में जब ज़्यादा जा, रिस्ट्रिक्शन हो या ज़्यादा चीज़ हम लोग को साथ में देखना हो एंड एडिशन रूल हम लोग यूज़ करते हैं और के केस में वैन वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शन इन आर सिनारियो क्लियर है तो ये चीज़ को लिख लो मेक सेंस अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मतलब क्या है कि कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं दोनों सर्कल्स डिसजॉइंट है जैसा कि आप लोग बोले दे आर डिसजॉइंट सेट्स तो इसीलिए ए यूनियन भी मतलब ए का फुल चांसेस हो सकते हैं एंड बी का फुल चांसेस हो सकता है लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है मतलब कि देर इज एन एक्सिस्टेंस ऑफ सम इंटरसेक्शन तो जब आप ए एंड बी को ऐड कर रहे हो तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये दो बार एड हो जा रहा है एक बार एक के साथ एक बार बी के साथ So we will just subtract it once. Yeah. हो गया कॉपी सबका ठीक है नेक्स्ट अप इज डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स तो डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स क्या बोलते हैं डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स बोलते हैं कि अगर दो इवेंट्स हो रहे हैं और मेरे को दोनों इवेंट साथ में करने हैं तो क्या होगा इट्स एन एंड केस इट्स अ केस ऑफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा करेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा सिमिलरली yes, अगर थ्री इवेंट्स हैं, तो ए बी एंड सी तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे बट अगर ऐसा हुआ कि अगर ए हो रहा है लेट्स से रेनिंग एंड कैरिंग एन अम्ब्रेला अगर ये दो इवेंट्स हैं दोनों इवेंट्स ऐसे तो अलग अलग हैं यू कैन कंसिडर दैम एज डिफरेंट इवेंट्स बट आप खुद सोचो अगर रेनिंग वाला इवेंट होगा तो क्या कैरिंग अम्ब्रेला वाला इवेंट उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग का अम्ब्रेला कैरी करने का इवेंट भी चेंज होगा राइट इसका मतलब क्या है जो कैरिंग अम्ब्रेला वाला इवेंट है इट इज डिपेंडेंट ऑन रेनिंग इट इज डिपेंडेंट ऑन रेनिंग तो वी कैन नॉट सिंपली मल्टीप्लाई द टू ऑफ देम दोनों का प्रोबेबिलिटी हम लोग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक रॉन्ग पिक्चर देगा हम लोग को वाई बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो कैरिंग अम्ब्रेला वाला सीनारियो है वो अपने में चेंज ला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन रेन वाला सिनारियो क्या रिजल्ट दे रहे तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स या फिर इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्योंकि क्या हो रहा है एक कंडीशन इम्पोज हो जा रहा है ना एक कंडीशन इम्पोज हो जा रहा है जिसके कारण हम लोग का जो टू इवेंट्स का साथ में होने का प्रोबेबिलिटी है दैट इज चेंजिंग तो ये क्या होता है दिस इज एक्चुअली डिनोटेड एज प्रबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग गिव इन बी हैज हैपेन्ड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग गिव इन ए हैज़ हैपेन्ड ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज हाउ वी डिनोट कंडीशनिंग कि आप एक कंडीशन इम्पोज कर दे रहे हो ऑन योर सिनारी एक इवेंट होगा उसके बाद दूसरे इवेंट के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है वी आर नॉट टेकिंग द टू ऑफ देम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है ना आया हूँ समझ मेंस मैम yes, अब देखो और एग्जाम्पल लेट से एक क्वेश्चन देखते हैं एंड एप्लीकेशन for a tutorial is received early then the probability of student getting first choice क्या होगा ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट को फर्स्ट चॉइस मिलेगा गिवन कि वो अर्ली अप्लाई किया है बोलो संपर्क प्रोबेबलिटी ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट चॉइस गिवन कि वो अर्ली एप्लीकेशन किया है यहाँ पे यही लिखा है कि अगर अर्ली एप्लीकेशन किया है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्यूटर इज ज़ीरो पॉइंट एट है ना यही तो लिखा है कि गिवन इन अर्ली एप्लीकेशन हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट चॉइस इज जीरो पॉइंट एट इसका आंसर जीरो पॉइंट एट होगा प्रोबेबिलिटी कि उसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगा गिव वो अर्ली एप्लीकेशन किया है बताओ ये क्या होगा फर्स्ट क्यों, क्यों चाइस नहीं मिल रहा मतलब है तो फर्स्ट चॉइस एंड नॉट फर्स्ट चॉइस दो ही ऑप्शन होगा तो इट इज अ केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स लास्ट वाला बोलो थ्री पॉइंट थ्री क्योंकि दिया हुआ है कि अगर लेट एप्लीकेशन हो रहा है देन

तो ये सब को यूज़ करके हम लोग कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे ये हम लोग निकालेंगे कैन समन एक्सप्लेन वाई इज दिस कैल वाई इज दिस फार्मूला देर क्या लॉजिक है इस फॉर्मूला के पीछे ma'am it is the probability that uh, a happens given that b uh, happens mm हाँ. -hmm. so uh, the probability of a and b happening ठीक है मतलब हां बोलो सही बोल रहा हूं हाँ तो मैं मतलब मैं राइट साइड को तो नहीं मैं लेफ्ट साइड को तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेफ्ट साइड को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं लेफ्ट साइड में तो खाली पी ए गिवन पी है कि क्यों है ये फॉर्मूला ट्राई करो थिंक इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स देखो

जब हम लोग कैलकुलेट करें ए गिवन बी तो इसका मतलब क्या है हम लोग बोल चुके हैं इट इज गिवन कि बी हैज अकर्ड तो अगर बी हैज इट कि हम का जो टोटल आउटकम्स था, वो कहाँ तक कन्फाइंड हो गया इट इज कन्फाइंड ओनली टू दी आउटकम्स जो बी के लिए हो सकता था इवेंट बी तक कन्फाइंड हो गया तो इवेंट बी तक कन्फाइंड होने का क्या प्रोबेबिलिटी था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी राइट तो इसलिए अब हम लोग का सैम्पल स्पेस क्या बन गया बी बन गया सैम्पल स्पेस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया टोटल आउटकम्स की जगह एंड फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा ए गिवन बी तो मतलब ए गिवन इन बी क्या होता है कि ए एंड बी साथ में हो रहा है, है ना ए एंड बी साथ में हो रहा है वो ही हम लोग का फेवरेबल है सिर्फ ए क्यों नहीं वाई नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इसमें भी टू पोर्शन था ये ए है और ये बी है ए का में दो पोर्शन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एक ये है जहाँ पे सिर्फ ए हो रहा है एंड एक है दिस पोर्शन जहाँ बी के साथ साथ ए हो रहा है तो जो पिंक पोर्शन है वो तो हम लोग के सिनारियों में प्ले ही नहीं करेगा क्योंकि पिंक पोर्शन में बी है ही नहीं तो दैट पोर्शन वी हैव टू एक्सक्लूड वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द ग्रीन पोर्शन नाउ राइट तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी Similarly, if I say probability of B given A, iska kya aayega formula? Probability of A intersection B by probability of A. तो जो भी event given है, denominator में हमेशा उस event का probability आएगा. अब हाउ डू वी चेक फॉर इंडिपेंडेंस बहुत बार हो सकता है कि आप लोग को पूछा जाए दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं है दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे बताओ मेरे को इस केस में होंगे कि बी गिवन ए अगर हो रहा है एंड ये क्या है बी गिवन ए एंड दिस इज बी एंड ए मतलब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बी पहले हो रहा है या ए पहले हो रहा है कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं है एंड यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है कि ए देन बी ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज है अगर ये दोनों इक्वल है मतलब कि क्या हो रहा है कि रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ एंड क्यों नहीं फायदा होगा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने से क्योंकि वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं Oh, two events independent so the restriction does not play any role anymore So that is why the rule for checking independence is if probability of b given a is equal to probability of a intersection b which is probability of a into probability of b this is the formula for checking independence between two events. क्लियर कॉपी कर लो ये सब जल्दी से फिर हम लोग समझ इंडिपेंडेंस का एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस का एग्जाम्पल ठीक है तो लेट्स से ये दो इवेंट्स हैं वे ग्लासेस एंड इज लेफ्ट हैंडेड क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्या ऐसा हो सकता है कि जो ग्लासेस पहनते हैं वही लेफ्ट हैंडेड होगा या जो लेफ्ट हैंडेड है वही ग्लासेस पहनेगा नहीं तो अगर हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा भी दे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन इज लेफ्ट हैंडेड गिवन ही वेयर्स ग्लासेस इट डजेंट मेक सेंस कोई कोई वैल्यू ही नहीं है इस ग्लासेस का यहाँ पे है ना समझ में आया तो मैम कॉमन कैसे होगा उसमें से कॉमन कैसे होगा मतलब हाँ तो वो तो हो ही सकते है ना क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि जो ग्लासेस पहनता है वो लेफ्ट हैंडेड हो नहीं सकता ये कोई नहीं बोल रहा तो कॉमन है देर आर पीपल हु वेयर ग्लासेस एंड आर लेफ्ट हैंडेड तो ए इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं राइट ए इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो जो इंटरसेक्शन एक्जिस्ट कर रहे हैं इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इसीलिए वो इंडिपेंडेंट है तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट नॉन एक्सक्लूसिविटी एंड इंडिपेंडेंसी में डिफरेंस होते हैं समझ में आया क्यों यस मैम एक चीज यहां पे चेंज करना यहां पे ये यह समझाने के लिए रोट कि क्या हो रहा है लेकिन एक्चुअल में जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा आप लोग लेके देखो प्रोबेबिलिटी अ पर्सन इज लेफ्ट हैंडेड गिवन ही वेयर्स ग्लासेस ये मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट है एंड ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट है लॉजिकली भी तो क्या हो जाएगा आई एम सेंगे वाला कॉन्सेप्ट है इट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल तो इसीलिए वो वेयर कर रहे ग्लासेस की नहीं उस चीज़ को हम लोग कंप्लीटली इग्नोर करेंगे तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इट विल बॉयल डाउन टू जस्ट अ पर्सन बींग लेफ्ट हैंडेड है ना जस्ट अ पर्सन लेफ्ट हैंडेड इज द सेम एज अ पर्सन बींग लेफ्ट हैंडेड गिविन वो ग्लासेस पहन रहे कि नहीं इसलिए इंडिपेंडेंसी के लिए दिस इज वन कंडीशन एंड द अदर कंडीशन इज इससे क्या समझ आ रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं ना ये इन्फॉर्मेशन यूजलेस है इसलिए वो इंडिपेंडेंट है क्यों? एक क्वेश्चन देखो What are your question? Uh, um, 0.9895. 0.9895.

जीरो पॉइंट जीरो टू होगा जीरो पॉइंट टू देखो क्या हो रहा है यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि 0.02 क्या है 0.02 पॉइंट जीरो टू इज प्रोबेबलिटी कार एक्सीडेंट फॉल्टी ब्रेक्स के कारण हो सकते हैं दैट्स इट नो कंडीशन इम्पोज नथिंग तो प्रोबेबिलिटी दैट कार एक्सीडेंट इज ड्यू टू फॉल्टी ब्रेक्स इज 0.02 फिर क्या बोल रहे हैं तो मतलब दो केस हो सकते हैं या तो ब्रेक्स के कारण हो या ब्रेक्स के कारण नहीं हो तो इसलिए हम लोग टू इवेंट्स लेते हैं फॉल्टी ब्रेक्स था एंड फॉल्टी ब्रेक्स नहीं था कि इट इज डेड कि फॉल्टी ब्रेक्स के कारण एक्सीडेंट हुआ एंड फॉल्टी ब्रेक्स के कारण नहीं एक्सीडेंट हुआ तो इसका प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट जीरो टू एंड एनी अदर रीजन अदर देन फॉल्टी ब्रेक्स इज जीरो पॉइंट नाइन एट अब जब फॉल्टी ब्रेक्स के कारण एक्चुअल में होता है तो ये क्या बोल रहा है एक्चुअल में क्या हुआ ये प्रोबेबिलिटी है फॉर द एक्चुअल इवेंट तो यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअली फॉल्टी ब्रेक से हुआ एंड उसको फॉल्टी ब्रेक्स एट्रीब्यूट किया गया है ना दैट इज द न्यूमरेटर कि फॉल्टी ब्रेक्स से एक्सीडेंट हुआ एंड उसको फॉल्टी ब्रेक्स एट्रीब्यूट किया गया इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी होगा 0.95 पॉइंट नाइन फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू क्यों क्योंकि इट्स एन एंड कंडीशन एंड का कंडीशन है ना बोलो क्लियर है प्रोबेबिलिटी उल्टा लिखते हैं इसको, जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू जीरो पॉइंट नाइन फाइव ये समझ में आया कि इज दिस प्रोबेबिलिटी कि फॉल्टी ब्रेक से हुआ एंड एट्रीब्यूट भी फॉल्टी ब्रेक्स किया गया आया जीरो सब, सब uh, बोल, बोल रहे हैं कि ब्रेक्स के कारण या फॉल्टी ब्रेक्स के कारण एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी है जीरो पॉइंट जीरो टू है ना ये फर्स्ट लाइन है हम लोग का तो कोई और रीजन अदर देन फॉल्टी ब्रेक्स के कारण एक्सीडेंट हो सकता है ऑब्वियसली कोई गाड़ी सामने आ गया या फिर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए गाड़ी रुक गया कुछ भी हो सकता है देर कैन बी एनी रीजन फॉर एन एक्सीडेंट देर कैन बी अ ड्रिंक एंड ड्राइव केस देर कैन बी गलती से एक्सिलेटर दबा दिया या फिर कुछ भी हो सकता है बट फॉल्टी ब्रेक्स होने के कारण एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी इज जस्ट जीरो पॉइंट जीरो टू तो उसके अलावा और कोई भी रीजन का जीरो पॉइंट नाइन एट प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होने का द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट है आया समझ में तो ये फर्स्ट डिवीजन हम लोग एक्चुअल रीजन क्या है उसके बेसिस पे कर रहे हैं अब हम लोग को क्या बोल रहे हम लोग को चेक करना है अब कोई भी एक्सीडेंट होगा तो नेचुरली उसके कॉज में इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्यों हुआ आखिर वो एक्सीडेंट किसका गलती था तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट कार एक्सीडेंट इज करेक्टली एट्रिब्यूटेड टू फॉल्टी ब्रेक इज जीरो पॉइंट नाइन फाइव मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं कि कार एक्सीडेंट फॉल्टी ब्रेक से होगा और इसको करेक्टली एट्रिब्यूट किया जाएगा टू फॉल्टी ब्रेक्स दैट इज जीरो दैट इज जीरो तो एंड कंडीशन होगा क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए हम लोग को इंटरसेक्शन चाहिए तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग 0.02 0.95 करेंगे कि फॉल्टी ब्रेक से ही हुआ है एक्सीडेंट एंड वो फॉल्टी ब्रेक्स को करेक्टली एट्रिब्यूट हो गया तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 0.019 एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एएफ यहां तक समझ में आया yes, नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूटिंग टू फॉल्टी ब्रेक्स अब भले वो करेक्टली एट्रीब्यूट हो या इनकरेक्टली करेक्टली एट्रीब्यूट हो दैट नॉट मैटर तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग लो देखेंगे कि एट्रीब्यूट कब कब हुआ है फॉल्टी ब्रेक्स को एक होगा जब एक्चुअल में फॉल्टी ब्रेक से हुआ एंड फिर वो एट्रीब्यूट हो गया करेक्टली दूसरा होएगा जब इनकरेक्ट वे से हो रहा है हम लोग का दूसरा प्रो दूसरा केसेस जब फॉल्टी ब्रेक्स के कारण नहीं हुआ बट फिर भी वो एट्रीब्यूट हुआ एज फॉल्टी ब्रेक्स ये दोनों केस होंगे तो क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू करेक्टली एट्रीब्यूट हो रहा है और जब इनकरेक्टली एट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या है जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट नाइन एट इंटू जीरो पॉइंट जीरो हो रहा है क्यों बीच में ये प्लस क्यों आ रहा है ये बीच में प्लस आ रहा है बिकॉज नाउ दिस इज बिकमिंग एन और कंडीशन कि इधर क्वाल्टी ब्रेक्स के कारण हुआ एंड एट्रीब्यूट हो गया फॉल्टी और क्वाल्टी ब्रेक्स के कारण नहीं हुआ एंड एट्रीब्यूट हो गया फॉल्टी ब्रेक्स समझ में आया दिस इज एंड दिस इज और दिस इज एंड इसलिए ये सब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रहा है टू गिव अस प्रोबेबिलिटी कि फॉल्टी ब्रेक्स एट्रीब्यूट होने का क्या चांसेस है दिस विल कम एज जीरो पॉइंट जीरो टू एट एट फिर हम लोग को सिर्फ दोनों को डिवाइड कर लेना है दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो एक बार ये डायग्राम एंड ये सल्यूशन अपने कॉपीज में कॉपी कर लो जल्दी से

कॉपी होने से बताना ठीक है चलो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू बेस थ्योरम बेस थ्योरम इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड वी कैन से केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करते हैं अगर कंडीशनल नहीं है तो बेस थ्योरम का कोई काम नहीं है यहाँ पे बट बेस थ्योरम कैसे करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इट टेक्स इन टू अकाउंट अनदर अदर कॉन्सेप्ट Of total probability. What is total probability? Law of total probability bolta hai ki events jab ek dusre ke upar dependent hote हैं. All of them are dependent on each other. तो इस केस में हम लोग हमेशा conditional probability में denominator में क्या डालते हैं? हम लोग डालते हैं probability of the given event happening, right? उसको हम लोग डिनोमिनेटर में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जाना चाहिए डिनोमिनेटर में तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो बी खुद भी ए पे डिपेंडेंट है और सी पे डिपेंडेंट है तो इस केस में क्या होएगा? इट विल बिकम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कि बी का होने का क्या चांसेस है एक होगा कि बी हुआ गिवन ए तो इसके लिए हम लोग को साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है गा? इसमें हम लोग को साथ में मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि पहले ए हो गया ए अपने में था वो हो गया फिर वो होने के बाद बी गिवन ए हुआ या फिर सी होना था वो हो गया और सी होने के बाद बी हो गया तो ये क्या हुआ दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग कि बी ए होने से भी हो सकता है एंड सी होने से भी हो सकता है ट इज वॉट इज टोटल प्रोबेबिलिटी ठीक है तो बेस थियोरम में डिनोमिनेटर कंसिडर्स दिस अडिशनल डिपेंडेंसी एज वेल और न्यूमरेटर क्या बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं हम लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवेन बी तो ये क्या है राइट right? ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है अभी पिंक में ये हम लोग अभी ये हम लोग अभी पिंक में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है अभी हम लोग किए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है ना इसी को अगर हम लोग रीअरेंज करें तो विल वी गेट ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आएगा तो इसी फॉर्मूला को हम लोग न्यूमरेटर में रिप्लेस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं रिप्लेस इसीलिए रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग डिपेंडेंसी देख रहे हैं कि बी हो गया तो ए होने का क्या चांसेस है लेकिन बी होना खुद में भी ए पे डिपेंडेंट है इसीलिए वी हैव टू कंसिडर दिस फॉर्मूला इंस्टेड आया समझ में कि क्यों बेस थ्योरम का फॉर्मूला ऐसा बनता है डिनोमिनेटर इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड न्यूमरेटर इज बिकॉज अगेन देर इज डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर एक क्वेश्चन मैं न्यूमेरेटर का एक बार फिर से बताइए बता, बता रहे देखो ये समझ में ये तो हम लोग अभी कर लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये होता है हम्म यस yes. इसी को रिअरेंज किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अगर ऊपर ले आए तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा िटी yes, no. का न्यूमिरेटर क्या होता है दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन तो इस केस में भी न्यूमरेटर क्या होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए इंटरसेक्शन बी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैंबिलिटी ऑफ बी गिवेन ए इंटू प्रोबेबिलिटी

तो जब इंटर डिपेंडेंसी का केस आता है तब हम लोग बेस्ट थ्योरम यूज करते हैं एक क्वेश्चन करेंगे उससे और क्लियर होगा फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल टेन परसेंट ऑफ मेन And one percent of women are colorblind. Suppose a person is colorblind. What is the probability? That it is a man। तो यहाँ पे दो केसेस क्या हो रहे हैं एक है कि जेंडर के बेस पे हो रहा है डिफ्रेंसिएशन एंड एक इज कि कलर ब्लाइंड एंड नॉट कलरब्लाइंड के बीच में डिफ्रेंसियन हो रहा है एंड दोनों चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है आज अगर एक मेल है उसका कलरब्लाइंड होने का प्रोबेबिलिटी अलग है एंड एक फीमेल का कलरब्लाइंड होने का प्रोबेबिलिटी अलग है तो अगर गिवन है कि पर्सन इज कलर ब्लाइंड देन वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ मैन वी वॉन्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन कलर ब्लाइंड राइट वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन कलर ब्लाइंड इसका डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर में आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड कलर ब्लाइंड होने का प्रोबेबिलिटी आना चाहिए टोटल पॉपुलेशन में एंड न्यूमरेटर में आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड कलर ब्लाइंड दिस इज ओरिजिनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अब पहले हम लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड वो हम लोग कैसे निकालेंगे वी विल यूज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों क्योंकि हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मैन एंड वुमेन मैन होने से क्या प्रोबेबिलिटी है कलर ब्लाइंड होने का एंड वुमेन होने से क्या प्रोबेबिलिटी है कलर ब्लाइंड होने का इस फॉर्म में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हम लोग को कि पूरे पॉपुलेशन में कलर ब्लाइंड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है आया समझ में कि वाई डू वी नॉट हैव अ डायरेक्ट वैल्यू ऑफ पी सी तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग पहले हम लोग देखेंगे अगर मैन है तो उसका ब्लाइंड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है विच इज गिवेन एज पहले मैन होना चाहिए एंड फिर मैन कलर ब्लाइंड भी होना चाहिए ये होगा एक दूसरा क्या आएगा प्रोबेबिलिटी फीमेल है एंड फिर उसके बाद कलर ब्लाइंड है करेक्ट इससे क्या आएगा इससे आएगा हम लोग के टोटल पॉपुलेशन में कलर ब्लाइंडनेस का क्या प्रोबेबिलिटी है इर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर क्योंकि इसमें हम लोग मेल भी ले रहे हैं और फीमेल भी ले रहे हैं है ना तो ये कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल क्या है प्रोबाबलिटी ऑफ मेल इज़ फोट जीरो पॉइंट फोर नाइन क्योंकि फोर्टी नाइन परसेंट है प्रोबेबलिटी की एक मेल कलर ब्लाइंड है ये दिया हुआ है टेन परसेंट ज़ीरो पॉइंट वन फिर प्रोबेबलिटी ऑफ फीमेल जीरो पॉइंट फाइव वन है एंड फीमेल कलर ब्लाइंड है इसका प्रोबेबलिटी है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन आया समझ में कितना आ रहा है पी सी बताओ कैलकुलेट करके What is probability of C coming to zero point zero five four one? Zero point zero five four one. Baki log bolo. Yes, ma'am. Yes. Chalo. probability of male and color blind. िटी ऑफ मेल एंड कलर ब्लाइंड क्या है टेन परसेंट ऑफ मेन आर कलर ब्लाइंड तो पॉपुलेशन में से मेल को इकट्ठा करना होगा और फिर उसका टेन परसेंट निकालना होगा मतलब टेन परसेंट ऑफ द फोर्टी नाइन परसेंट है ना जो फोर्टी नाइन परसेंट मेल है उसके भी टेन परसेंट आर मेल एंड कलर ब्लाइंड तो ये क्या हो रहा है इसको अगर हम लोग फॉर्मूला के वे में लिखे तो इट इज़ पहले हम लोग मेल निकालें और फिर हम लोग देखें कि कितने मेल कलर ब्लाइंडर इज 49 परसेंट एंड दिस इज 10 परसेंट क्या आएगा आ रहा सब है सबका ये फाइनल आंसर बोलो कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवेन कलर ब्लाइंड जीरो पॉइंट नाइन जीरो फाइव सेवन थ्री जीरो पॉइंट नाइन जीरो फाइव सेवन